गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? और गाइस, सुबह सुबह उठ चुके हैं मैं और गौरव। तो आज हमने करनी है अपनी सारी पैकिंग घर की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो अभी जो घर है वो बिल्कुल खाली करना है और बिल्कुल साफ सफाई एकदम चकाचक करके देना है घर इनको। तो अभी तो हम लगेज वगैरह ही पैक कर रहे हैं और इतना सारा सामान है। पहले तो हम सोचे थोड़ा सा सामान है, बल्कि हमारे पास जो फर्नीचर है, ये अपार्टमेंट जो हमने लिया था वो फुली फर्निश था। तो हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जैसे बेड हो गया, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, ये कुछ नहीं है। सिर्फ कपड़े, बर्तन और शूज़, यही सब इतना सारा सामान है कि यही मतलब कि हम बैग में पैक नहीं कर पा रहे हैं इतने। अभी पांच तो हमने लगेज बैग पैक कर लिए, दो कार्टन बना लिए और फिर भी सामान इतना पड़ा है कि अभी एक दो बैग और लेंगे, उसमें उसको डालेंगे और फिर देखते हैं। और गाइस, ये हमारी पैकिंग हो गया शुरू। ये दो चार हमने अभी कार्टन बनाए हैं दो, और ये बैग हैं। और मुझे लगता है अभी और भी बैग्स की नीड पड़ेगी, इतना सारा सामान है। और गाइस, ये अभी गौरव कार्टन लेके जा रहा है, नीचे सारे सबमिट रखेगा पहले और उसके बाद पोस्ट ऑफिस जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस जाना है, इन्होंने पोस्ट ऑफिस ये करा के आएंगे और मैं नीचे इनका वेट करूंगी। तब तक कैब में बुक कर रही हूं। एक और लिया, हाँ हाँ, मैं लोग रोक रखा है। तो नीचे कैब बुलाएंगे, कैब से ये दोनों ये वहाँ पे पोस्ट ऑफिस ले जाएंगे गौरव, और वहाँ पे हमारा जो घर है वहाँ बुक किया हुआ है उस एड्रेस पे भेज देंगे, ताकि जब तक हम पहुंचे और हमारा ये वाला सामान भी पहुँच जाए। भाई, ये आ गया कैब, गौरव रखने लग रहे हैं कार्टन और ये ही जाएंगे। मैं तो घर ही रहूँगी और पैकिंग करती हूँ तब तक। और गाइज, अभी घर की सारा सामान जो था हमारा वो हमने पैक कर लिया है, थोड़ा सा रह रहा है। तो मैंने गौरव को बोला कि रात को करेंगे, अभी हम बाहर घूम के आते हैं। तो इतने गंदे बने हुए थे पहले, तो दोनों नहाए, नहाने के बाद अभी रेडी होके अभी निकले हैं बाहर, क्योंकि किचन भी ऑलमोस्ट मैंने सारी पैक कर दी है, तो कुछ भी सामान बाहर नहीं है। तो मैंने बोला डिनर भी हम बाहर ही करेंगे, तो अभी हम डिनर करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे। और गाइज, अभी हम लोग सबवे आए हैं, तो गौरव अभी सबवे बनवा रहे हैं, तो मैंने बोला एक ही ले लेते हैं क्योंकि अभी, और फिर बाद में देखते हैं। पिज़्ज़ा खाने को गौरव का मन है, मेरा सबवे था तो मैं सबवे ले रही हूँ, और उसके बाद एक ही शेयर करके खाएंगे और उसके बाद हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। फाइनली मैंने ले लिया अपना सबवे वीगन वाला और गौरव बचा रहे ऐसे ही। आपने नहीं लेना है गौरव, खाना नहीं, शेयर करके खा लेते हैं। चलो कोई ना, पिज़्ज़ा भी दे देना मुझे थोड़ा सा। तो गाइज, अभी ना हम यहाँ पे CNA आए थे, तो मैंने गौरव को बोला चलो ऐसे ही चलते हैं, देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत सुंदर सी चप्पल पसंद आ गई है, तो मैं गौरव को बोलती दिला दो यार जाते आते, तो बोलते हाँ तूने आज इतनी सफाई की है तो चल तेरे को एक दिलाई देते हैं। है गौरव, सफाई के बदले दिलाई आपने कहते वैसे भी तो क्लीनिंग वाली को लेडी को इतना पैसा देना था, चल तेरे को दिलाई देता हूँ एक। और गाइस, शाम का हो गया है टाइम और मैं और गौरव निकले थे बाहर कुछ गिफ्ट्स लेने, क्योंकि गौरव को अपने जो वहाँ पे इसके सीनियर्स हैं और इनके इसके साथ के कॉलिग्स हैं, तो उनके लिए लेने थे गिफ्ट्स। तो अभी हम वही ले रहे हैं यहाँ पे, और साथ में और क्या कर रहे हैं, कुछ खाने पीने भी आए हैं बाहर। तो अभी आज लास्ट डे है हमारा प्राग में, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। और गाइस, इतना घूमने के बाद हमें ये चीज़ें पसंद आई है कि हम ये सबको गिफ्ट भी करें, और ये ऐसे करेंगे तो इसमें स्पार्कल हो जाएगी और बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे ये प्राग के। तो हम ये चार या पांच प्राग, ये वाले छोटे हैं भाई, बड़े वाले ले लेते हैं सबके। तो अभी हम ये वाले कर लेते हैं चार पैक। और गाइस, ये गौरव देखो क्या लेके आया है, बोतल ओपनर, और इसको ये पता नहीं है इस बियर के गिलास वाला क्या पसंद आया है। और अभी इसकी जा रहे हैं बिलिंग कराने, और वो भी हम लोगों ने उनको बोल दिया पैक करने के लिए। और गाइस, हम ना गिफ्ट लेने आए थे एक बेबी के लिए, और मुझे पपेट शॉप मिली, देखो इसमें कितनी सुंदर सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। तो गाइस, इतने दिनों बाद हम खा रहे हैं चिली मोमोज, और इधर ये हमारी चाउमीन, मजा आ जाएगा आज तो। ये हमने मंगाया पनीर बटर मसाला और ये है दाल मखनी। गरम है मत खाओ, गरम है हम खा लेते हैं ना। और गाइज, यहाँ पे अभी हमारा सबसे फाइनल मीटअप हो रहा था, एक बार हाय बाय सब कुछ यहीं पे बोल रहे थे, और उसके बाद हमारी कैब आ गई, सबने हमारा कैब सामान रखवाया, तो कैब वाले भैया कंफ्यूज हो गए इतने सारे लोग जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग बस में बैठ गए थे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।